ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. ஏவம் கலித்தவான் அந்த பிரசாந்த மனனை ஷணஹா. ஜப் வீத ஹவ்யகே அந்தக்கரண் சே சபி காமனாய் சாந்த ஹோ கை, தப் உன்கி ஜோ ஸ்திதி ஹே உஸ்கோ யஹா இன்னொன்று பஷந்தி கஹா ஹே. பஷந்தி கா தாத்பர்ய க்யா ஹோ கயா, வைகரி ஸ்திதி மே விஷய ஔர் விஷய கோ பதானே வாலா ஷப்த அலக் அலக் ஹோதே ஹே. ஜெசே ஹம் ஆப்கே சாத் வைகரி வாணி மே பாத் கர் ரஹே ஹே, तो पुस्तक ये शब्द हमारे मुंह में है और पुस्तक उसका अर्थ हमारे हाथ में है. ये वैखरी वाणी जागृत अवस्था में होती है. उसके पश्चात मध्यमा वाणी जो है उसमें शब्द और अर्थ दोनों केवल विचारात्मक होते हैं, केवल वृत्तियां मात्र, जिसको कहते हैं मन के पुलाव, वो हो गए दूसरी स्थिति. तीसरी स्थिति होती है पश्यंती की. पश्यंती में अभी वृत्तियों का उदय नहीं हुआ, लेकिन वृत्तियों का उदय होने की क्षमता आ गई है, वो पश्यंती. तो यह वीत हव्य जी महाराज उस स्थिति में पहुंच गए, माने अभी उनके ज्ञान में द्वैत का बीज होते हुए भी वो द्वैत प्रारंभ नहीं हुआ, और इसीलिए उनके मन में अब कोई इच्छा नहीं बची. तो ये होने के पश्चात उन्होंने उसी स्थिति में शनि ही उच्चार यस्तारम प्रणवम प्राप्त भूमि कहा, और फिर उन्होंने प्रणव का या ओंकार का जप किया, और उसके कारण इंद्रिय तन्मात्र मन बुद्धि सबके ऊपर में जा करके अब वो एकदम सभी द्वंद्वों के पीछे परे और सभी द्वैत के परे चले गए. द्वंद्व माने राग द्वेष सुख दुख, द्वैत माने मैं तू तू मैं, इन दोनों के परे चले गए. और फिर उसी स्थिति में वो अनेक सालों तक रहे, और उसके कारण उनका जो व्यक्तित्व था वह व्यक्तित्व पूर्णता में मानो एकदम डिसॉल्व हो गया. यहां तक हमने कल देखा था. और पश्यंतीम आसाद्य सत्ता मात्रकत्वम ततः, तो यह स्थिति जो है केवल अपने होने का भान मात्र है, इसमें अन्य के अनुभव नहीं होने के कारण वृत्तियां नहीं उठ सकती. ध्यान से सुनना, इसी सिद्धांत को हम बताते हैं लेकिन समझ में नहीं आती बात. कोई भी प्रश्न कोई भी वृत्ति केवल अन्य के बारे में ही हो सकती है. जैसी आंखें केवल अन्य को ही देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही मन केवल अन्य के बारे में ही विचार कर सकता है, अपने बारे में विचार नहीं कर सकेगा. और ये न समझने के कारण हम अपना परेशान होते रहते हैं, चित्तवृत्ति विरोध निरोधा. अरे भैया, जब तक के आप इस जगत को सत्य मानोगे तब तक के जब तक के आप
इस जगत को सत्य मानोगे तब तक के आपके मन में वृत्तियां आएगी। तो क्या जगत दिखना नहीं चाहिए? नहीं, जगत दिखने से कुछ नुकसान नहीं है। देखो, हमारे मन की दो स्थितियां हैं। एक तो मन में विषयों का ज्ञान होता है, ये अमुक अमुक वस्तु है, इससे कोई नुकसान नहीं। विषय का ज्ञान होने के पश्चात उस विषय के बारे में तीन चार प्रकार के विचार शुरू हो जाते हैं। पहला विचार, ये विषय उपयोगी है, ये विषय सुख का साधन है, इस विषय के न होने के कारण मुझ में अपूर्णता है, ये विषय जब तक नहीं मिलेगा तब तक के जी कर क्या करेंगे। तो दो स्टेजेस हो गई। पहले में विषय का दर्शन हुआ, उसके बाद उस विषय के बारे में चिंतन हुआ, एक ये स्थिति। अब दूसरी स्थिति, जब हम समझो समुद्र के किनारे चले गए और वहां शाम के समय में सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र में एकदम एक खंभे के जैसा लंबा दिख रहा था दूर तक, और उसी समय पक्षियों की एक माला उड़ रही थी, मानो सूर्य को माला पहना रहे थे। इतना सुंदर देखा, आहा कितना सुंदर है। उसके बाद ये विचार आता है, क्या ये समुद्र में घर ले जाऊं, ये सूर्य को मैं ले जाऊं, ये पक्षियों की माला में ले जाऊं, ये विचार नहीं आता। क्योंकि वो दिखते हुए भी उसको हम सत्य स्वीकार नहीं करते। या जो इंद्रधनुष जब देखते हैं तब ऐसा विचार नहीं आता है, थोड़ा काट के ले जाए। जैसे लोग जाते हैं कैलाश, तो वहां से आते समय एक पत्थर ले आते दुनिया को दिखाने के लिए, ये पत्थर मैं ले आया, मैं गया था ना कैलाश। अच्छा, दो पत्थर हो गए, दो कौन? एक आप, दूसरा ये पत्थर। इच्छा केवल उसी समय हो सकती है जब हमने किसी को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। तो सत्ता मात्रकम ततः, फिर वो केवल अपने सत्ता में ही स्थित हो गए, इसीलिए कोई विचार नहीं। सुषुप्त पदमालंब्य तस्थो गिरि इव अचलहा, एकदम पहाड़ के जैसे एकदम शांत हो गए। सुषुप्ते स्थैर्य आसाद्य तुर्य रूपम उपाय। अब अगली स्टेप आती है। देखो, दो चीजें हैं। अभी हम गए थे श्रीलंका, उस समय ये चीज हमको प्राप्त हुई थी, रावण ने दी थी। जगत जो है दो चीजों का संतुलन है, एक जिसमें गति नहीं है और दूसरा जिसमें गति है। आकाश में गति नहीं है, इसीलिए यह आकाश संपूर्ण गति का आधार है। क्या यह अपने जीवन में नहीं है? शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, हम उसको जानते हैं। तो यदि हमारा भी शरीर के साथ परिवर्तन होता तो हम शरीर के परिवर्तन को नहीं समझ सकते थे। देखो, दो गाड़ियां एक ही दिशा में एक ही स्पीड से जा रही हो तो ये गाड़ियां चल रही है ये अनुभव नहीं आता, लेकिन आपकी गाड़ी चल रही हो और दूर का पेड़ खड़ा हो तब पता चलता है कि गाड़ी हमारी स्पीड से जा रही है। इसी प्रकार से हम में भी ये दो तत्व है, एक जो स्थिर है जिसमें कोई गति नहीं, दूसरा गतिशील है माने परिवर्तनशील है। अब हमने यदि हमारे मन के गति को शांत कर दिया, पतंजलि योग दर्शन में ये मार्ग है, मन के गति को शांत करने के कारण जो मन है वो पुरुष सदृश हो जाता है। पुरुष माने क्या? जिसमें गति नहीं है,
प्रकृति माने क्या, जिसमें गति है। देखो इसको समझने के लिए ऐसा समझे, लकड़ी में जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो प्रज्वलित होने के बाद दो बातें हो गई, एक अग्नि और अग्नि का प्राज्वल्य उसकी जो दाहिका शक्ति है वो प्रकट होने से होती है। तो ये दाहिका शक्ति कैसी है, ये कभी आ सकती है जा सकती है, लेकिन अग्नि ज्यों का त्यों है। दाहिका शक्ति प्रकट होने से अग्नि नहीं जलता, और दाहिका शक्ति प्रकट नहीं हुई तो भी अग्नि ज्यों का त्यों है, अग्नि का नाश नहीं होता। इसी प्रकार से जब भी हमने अपने मन को शांत रखा, स्थिर रखा, तो इस शांति में खो मत जाना। कितना अच्छा लगता है शांत रस। कल एक अम्मा हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी यदि भगवान का नाम लेकर के शांत रस प्रकट हो गया तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। देखो हमको जो अच्छा लगता है वही सत्य है। एक कहता है कि देखो भगवान राम अच्छे, बिल्कुल अच्छे। नहीं नहीं भगवान कृष्ण अच्छे, कृष्ण अच्छे। देखो इससे ऊपर उठना है तो जहां आपका मन एकदम शांत हो गया, तो यह शांत मन यदि चैतन्य में घुल गया हो तब आपके लिए शांति और अशांति दोनों समान हो गए। लेकिन आप देखेंगे ये जो मेडिटेशन करने वाले हैं, बुद्धिस्ट है, उसमें इसका बड़ा महत्व है। एकदम ऐसा रखेंगे शांत, उससे कुछ नहीं होता। हम एकदेशीय हो गए, इसीलिए कहते हैं हाँ सुषुप्ते स्थैर्य आसाद्य तुर्य रूपम उपाय। फिर वो तुर्य तत्व में प्राप्त हो गए। अब तुर्य तत्व किसको कहते हैं, तुर्य माने जो तीनों का आधार है वही आधार सत्य है, और ये जो तीन है ये उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहे हैं, उसको कहते तुर्य तत्व। यदि आप संस्कृत की डिक्शनरी लोगे तो तुर्य माने चौथा, ये चौथा नहीं होता। वो व्याकरण की दृष्टि से नहीं वेदांत पढ़ना है। देखो जैसे पुत्र पति और पिता तीन है, आदमी कौन है, अरे आदमी चौथा है ना, तो क्या चौथा है आदमी। एक ही आदमी पर उपाधियों के कारण यह अनेकता प्रतीत हो रही है। और जिसने अपने को पुत्र समझा है उसके लिए वो परेशान है, जिसने पति समझा है वो परेशान है, जिसने पिता समझा है वो परेशान है, और जिसने अपने आप को आदमी जाना है और उसके बाद ये समझा है कि ये जो तीन पैदा हो गए ये केवल औपाधिक है, तो कभी उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये है तुरीय तत्व की बात। तो सुषुप्ते स्थैर्य आसाद्य तुर्य रूपम उपाय निरानंदो सानंद। देखो यहां आनंद रहित आनंद है, आनंद रहित आनंद का तात्पर्य क्या हो गया, यही तो सुंदर है शास्त्रों का। आपके मन से गलत धारणाओं को मिटा करके नई धारणाओं को निर्माण नहीं करना। बड़ी कठिन बात है। जैसे हम कपड़ों को क्या करते हैं, इस तरह जब करते हैं तो गलत सलवटों को निकाल देते हैं, फिर दूसरी सलवट लगाते हैं, अच्छा दिखता है ना। गलत धारणाओं को मिटा देना और नई धारणा निर्माण नहीं करना। जैसे अभी क्या धारणा है, मैं पति हूं, फिर दूसरी धारणा है मैं पति भले हूं लेकिन असल भी आदमी हूं ना, तो एक धारणा को हटाकर दूसरी बना दी। धारणा रहित अनुभूति वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए
कहते हैं निरानंदोपि सानंदः, ये ऐसा आनंद है कि जिसमें वो आनंद नहीं है जो दुख का विरोधी है, ये वो आनंद नहीं है कि जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए, ये वो आनंद नहीं कि जिसका क्षय होता है, जैसे सुषुप्ति का आनंद जो आनंदमय कोश है। ये मतु प्रत्यय जो लगता है संस्कृत भाषा में, मय माने विकार, अन्नमय कोश अन्न के विकार से बना हुआ जो है वो हमारा देह है, प्राणमय कोश जो हवा है उसके विकार हो गए और वही प्राण अपान व्यान समान उदान बन गए, मनोमय कोश जो ज्ञान के विकार है उसको मनोमय कोश कहते हैं, विज्ञानमय कोश जिसमें अपने ज्ञान को लेकर के मय की प्रतीति होती है वो विज्ञानमय कोश। इसी प्रकार से आनंदमय कोश माने जिसमें आना जाना लगा हुआ है। तो यह वो आनंद है जो गहरे नींद का आनंद नहीं है, इसीलिए निरानंदोपि सानंदः सच्च असच्च अपि तत्र सः। और ये ऐसा सत्य है, देखो महाराज एक बड़े संत हो गए संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में अमृतानुभव में तृतीय अध्याय में, यदि मुझे ठीक से याद है, तो शब्द की बड़ी तारीफ करी, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, शब्द जीवन का निर्माण करते हैं, शब्दों के द्वारा ही उपदेश होता है, ये शब्दों को ऊपर चढ़ा दिया और फिर कहते हैं ये शब्द ही परमात्मा का निर्देशन करते हैं सच्चिदानंद। और आगे जाकर के ये जितना पेड़ बनाया उसको काट देते हैं, सच्चित और आनंद ये तीन भगवान को दी हुई गालियां हैं। सत इसलिए कहते हैं कि असत का निराकरण करना है, चित इसलिए कहते हैं कि जड़त्व का निराकरण करना है, और आनंद इसलिए कहते हैं कि दुख का निराकरण करना है। अब देखो अपने में, कभी हमको अपने अभाव का अनुभव आता है क्या? नहीं। तो जब हमारा अभाव होता ही नहीं तो हम है कहने की क्या जरूरत है? यदि असत की अनुभूति नहीं है तो सत कहने की क्या जरूरत है? यदि समझो आपको एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है, तो आप इसका इंट्रोडक्शन कैसा करोगे? ये मेरा बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, अरे एकमेवा द्वितीय, उसी बड़ा छोटा नहीं हो सकता, केवल एक ही है। इसी प्रकार से यदि हमको अपने अभाव की अनुभूति नहीं आती है तो मैं हूं ये कहने की क्या जरूरत है? इसीलिए यह वह सत्ता है जो सत असत के जैसी एक दूसरे की विरोधी नहीं है, इसीलिए इसको सत कहो तो भी ठीक है, असत कहो तो भी ठीक है, सत असत के परे कहो तो रियली ठीक है। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्चते। इस परमात्मा को ना तो सत कहा जा सकता है ना तो असत कहा जा सकता है। अभी दिन है रात नहीं है, ये दिन रात पर लागू होता है, ये कह सकते हैं क्या? अभी आकाश है अभी आकाश नहीं है। देखो जो इस सत असत के परे है वही अपना स्वरूप है, सच्च असच्च अपि तत्र च चिन्मयोपि अचिन्मयश्चापि। यही बात संत ज्ञानेश्वर ने लिखी है, जो सच्चिदानंद है ये केवल हमारी गलत धारणाओं को मिटा करके नई धारणा निर्माण न करो इसके लिए बताया गया है। तो चिन्मयः अपि अचिन्मयश्चापि नेति नेति यदुच्यते। और इसीलिए शास्त्रों में तत्व के बारे में बताने के लिए केवल नेति नेति ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ऐसा करते करते जब सबका निराकरण हो गया
और ऐसे स्थिति पर पहुंचते हैं जिसका आप त्याग नहीं कर सकते, वो सत्य है। क्योंकि सत्य के प्रदेश में जानना और होना अलग अलग नहीं होता, जानना और होना एक है, अलग नहीं है। इसीलिए इस तत्व में वो पहुंच गए और फिर आगे कहते हैं ततः तस्संबभूवासौ यद् गिराम्यपि अगोचरहा। और वो स्थिति कैसी हो गई उनकी, जो मन वाणी बुद्धि के परे है। अब ध्यान से सुनना, यदि हमको मालूम है कि शब्द आंखों से नहीं सुने जाते तो साधना क्या करनी पड़ी होगी, करे अपने आंखों को सुनने के लिए मत लगाओ। कानों से रस का ग्रहण नहीं हो सकता, तो गरम गरम चाय में चीनी है कि नहीं इसका टेस्ट करने के लिए थोड़ा कान में डाल के देखो, नहीं। कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से यदि परमात्मा अपना स्वरूप मन इंद्रिय वाणी के परे है तो क्या साधना होगी, इस मन इंद्रिय वाणी के परे चले जावे। लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। मन में कैसे फंसे रहते हैं, जब नाम रूप को महत्व दे दिया आप मन में आ गए। इसीलिए जो हमने आपको कल बताया था, इस पर थोड़ा ध्यान देना। जब आप बैठे हो शांत, बैठने के पश्चात अपने आप से बोलना बंद कर दे और जो शांति है उसको श्रवण करने का प्रयत्न करें। जब अपने आप से बोलना बंद करेंगे तो कर्मेंद्रिय के परे चले गए, और जब शांति को सुनने का प्रयत्न करेंगे तो ज्ञानेंद्रियों के परे चले गए। और यदि शब्द का या रूप का खाना मन को नहीं मिला तो यह मन चैतन्य में घुल जाता है। ये नाम रूप यही मन की खुराक है। यह शांति नहीं है, आप सब सुन रहे हो। ये शांति अशांति के परे है। और जब आप शांति में फंस जाओगे तो थोड़ा कहीं डिस्टर्बेंस हो गया तो विक्षेप आ जाएगा। और यदि आप शांति अशांति के परे गए तब आप मन के परे गए हो। तो महाराज, इसीलिए पहले विक्षेप जगत, कारण क्या, इंद्रियों के माध्यम से जगत को ग्रहण कर रहे हैं। और यदि हमने इंद्रियों को बंद कर दिया तो जगत माने क्या, नाम रूप यही जगत है और कुछ नहीं जगत में। ये नाम रूप को ही अमर बनाना चाहते तो यह जो स्थिति है गिराम अपि अगोचरहा। अब इसी को भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न प्रकार से कहा है। कहते हैं पुरुषो यो हि सांख्यानाम, इसी को सांख्य पुरुष कहते हैं। ब्रह्म ब्रह्मविदाम तथा, और जो ब्रह्मविद है उसको, उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं। शिव शैव मतस्थानाम, जो शैव है उसी को शिव कहते हैं। सर्व सुसमचेतसाम, और जो सब में व्याप्त है ऐसा समझने वाले इसी को सब कहते हैं। यद् शास्त्र सर्वशास्त्र सिद्धांतः यद् सर्व हृदयानुगम, जो सभी शास्त्रों के सिद्धांत है और जो सबके हृदय में ही प्रकट होता है। यद् अनुत्तम निष्पंदम, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। अनुत्तम यूनिक,
इसके जैसा कुछ नहीं है, और इसीलिए निष्पंदम, जिसपे कोई गति नहीं। ध्यान से सुनना, गति नहीं का तात्पर्य खूट के जैसे बैठना नहीं। जैसे आकाश में गति नहीं है, लेकिन आकाश गति का विरोध ही नहीं है। जो केवल गति के विरोध में बैठे हैं, बिल्कुल हिलना नहीं डुलना नहीं, वो जड़ समाधि में प्रवेश करते हैं। क्योंकि गति केवल प्रकृति में है, परमात्मा में गति नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा में ही है। जैसे हम पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, वायु कहाँ है, अग्नि कहाँ है, जल कहाँ है, हम ये नहीं पूछ सकते आकाश कहाँ है। सब आकाश में ही है। आकाश कहीं आता जाता नहीं, जाना आना आकाश में हो रहा है। इसी प्रकार से ये सब चला चली का खेला इस चिदाकाश में हो रहा है, और इसीलिए यह किसी का विरोध ही नहीं। यह जो निर्विरोध अनुभूति है, ये अपना स्वरूप है। जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं और समाधि नहीं, किसी का विरोधी नहीं। जागृत स्वप्न आने से हमको कोई लाभ नहीं, सुषुप्ति समाधि से हमको कोई हानि नहीं। जब भगवान कहते हैं ना, योगक्षेमं वहाम्य हम, ये स्थिति है। ओ संतो, इसीलिए कहते हैं अनुत्तमम निष्पंदम दीपकम तेजसाम अपि, और ये सबका प्रकाशक है। अब सबका प्रकाश कल हमने आपको बताया था, जैसे अंधकार में मोमबत्ती बड़ी प्रकाशमान होती है, सूर्य के प्रकाश में वो नगण्य है, लेकिन इस सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली हमारी दृष्टि यदि नहीं हो तो सूर्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती। तो आंखों के प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश नगण्य है, और आंखों का जो प्रकाश है उसको प्रकाशित करने वाला जो मन का प्रकाश है, वो इस आंखों के प्रकाश से तेज है। और यह मन जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, उसका क्या कहना। इसीलिए कहते हैं तेजसाम अपि, सबका जो प्रकाशक है, स्वानुभूति एकमात्रम च सर्वम च सर्वगम तथा, और ये कैसा है, स्वानुभूति एकमात्रम च, यही एकमात्र अनुभूति है। देखो, इसके लिए जो हमने आपको एक बार बताया था, आप लोग जो भगवान के नाम का जप करते, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसी में मैकेनिकली नहीं है, राम 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 राम, नहीं नहीं नहीं, उससे हमको वैखरी से निकल करके परा में डिसॉल्व हो जाना है, उसके लिए जप करते। तो जब शब्द लेंगे तो अनेक हो गए, राम 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 राम, फिर इस शब्द को तोड़ने वाली शांति है, उधर ध्यान देना शुरू कर दे, श्री राम श्री राम श्री राम। अब इसमें ये समझ ले, शब्द को निर्माण करते हैं, शब्द रहते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं, शांति को निर्माण नहीं करते, शांति समाप्त नहीं होती। शब्द आते जाते हैं, शांति आती जाती नहीं। ये अभ्यास करने से हमारे मन की गति जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। तब उस मन में ज्ञान प्रकट होता है कि जो भाव अभाव के परे है, जो भाव अभाव का आधार है, वही सत्य है। इसीलिए स्वानुभूति एकमात्रम च, परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढना इधर उधर, अपने अनुभवों का विश्लेषण करके जब हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं, तब हमने रियली अध्यात्म में प्रवेश किया है, नहीं तो बाहर ही भटकते रहेंगे।
स्वानुभूति एकमात्र सर्वम च सर्वगम तथा, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं। यत एकम चाप्य अनेकम च विजरा मरणम पदम, तो जो एकम च अनेकम च ये एक ही है, उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है, तो अनेकता औपाधिक है। जैसे आकाश एक है, उसमें अनेक दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार कोने ऊपर नीचे 10 करके जो दिशाएं हैं, उस दिशाओं का आधार आकाश एक है, लेकिन हमारा ध्यान आकाश के तरफ नहीं दिशाओं के तरफ है, और फिर उसी में फंसे रहते हैं, इधर पूर्व है कि उधर पूर्व है। एक बार हम किसी महात्मा जी के साथ थे और उनको किसी स्कूल का शिलान्यास या पूजा करनी थी, तो उनके हाथ में एक नरियल दे दिया कि महाराज जी इस नरियल को आप अपने हाथ से फोड़ो। तो महात्मा जी खड़े थे, उन्होंने हाथ में लिया नरियल, सभी महात्मा लोग नाटक करते, मैं भी करता हूँ, तो उन्होंने हाथ में ले लिया और बड़ी प्रेयर करी, बाबा जी पर भरोसा मत करना, सब झूठ मूठ है। हम आप पर भी भरोसा नहीं करते, झूठ मूठ है, सुन रहे हैं, कितने को सुन के रख दिया, क्या फर्क पड़ा। देखो तो वो ऐसा नमस्कार करके प्रार्थना कर रहे थे। तो ज्ञानी लोग बहुत होते हैं, जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, वो महात्माओं को सिखाते हैं, सुनते नहीं उनसे कुछ। तो महाराज जी पूर्व दिशा इस साइड में है, इधर पूर्व नहीं है। तो महात्मा जी ने देखा, जिस दिशा को मैं देखता हूं वो पूर्व दिशा होती है। हम कह सकते हैं सर, देखो हम इसी में फंसे हुए हैं, इससे ऊपर उठना है। सो वी जरा मरणम पदम, तब जाकर के हम ये जरा मृत्यु के परे चले गए। जरा मृत्यु के परे चले जाना माने, जरा माने स्थूल देह का बुढ़ापे से निकल गए, मरना माने ये सूक्ष्म देह के परे चले गए, ये अपना जो स्वरूप है उसमें हम पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या हो गया उनका, त्रि शत वर्ष सहस्त्राणी विहृत्यैव यथा सुखम वीतहव्यः शशाम एवं पुनर्जन्म विवर्जितः। उसके बाद उन्होंने 30,000 साल तक एकदम मौज में रहे। विहृति माने विहार करने लग गए, माने वैकेशन ले ली। देखो हम इस दुनिया में जो आए हैं ना, इट इज अवर वैकेशन, ज्यादा सीरियस होकर के मत रहना, ये करना है वो करना है, इसका भला उसका भला करना, अपना तो सत्यानाश कर लिया और दूसरे का भला करने में लग गए। देखो महाराज ये बहुत सूक्ष्म और कठिन बात है, लोगों का भला करने का रोग, इससे रोग बढ़कर के कोई नहीं है। देखो भला करो मत, हो गया तो ठीक है, प्रभु इच्छा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसलिए ये सब कुछ होने के पश्चात वो अपना मौज में रहते, इसी को हम कहते हैं टाइम पास करो। टाइम पास करते समय व्यक्ति में मैं निर्माण नहीं होता, भोक्ता निर्माण नहीं होता, कर्ता निर्माण नहीं होता, उसमें लाभ हानि नहीं होती, उसमें अपना पराया नहीं होता, क्योंकि टाइम पास हो रहा है। हम जब टाइम पास कहते हैं ना अंग्रेजी के शब्द को, तो आप उसको स्वीकार नहीं करते हो। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत में करी थी। हमको एक बार कहीं पढ़ने को आया, जब हमने पढ़ा तो बड़ी खुशी होगी, चलो अपने ब्रांड के निकले, पहले हमने नहीं पढ़ा था उनको। तो वो कहते हैं, उनको पूछा गया कि आप ये भगवान का नाम क्यों लेते हैं, उन्होंने कहा अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं,
फिर उन्होंने कहा काल, काल माने टाइम और क्षपण माने पास करना। केवल काल को मिटाने के लिए मैं भगवान का नाम लेता हूं, मैंने लेना देना कुछ नहीं है। देखो यदि आप सत्संग सुनते समय ये कल्पना करोगे हमने इतना सत्संग किया लेकिन लोग हमारी बात मानते नहीं क्योंकि तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतना सत्संग किया उसका क्या हो गया, ये तो हमारा प्रश्न है। देखो संतो, काल क्षपणार्थम तो स्वानुभूति एकमात्रम च सर्वम सर्वगम त्रिशत वर्ष सहस्त्राणि वृहत्तैव यथा सुखम वीतहव्य शशामेवम। इस प्रकार से ये वीतहव्य जो है वो धीरे धीरे जैसे प्रभु की इच्छा वो सब शांत हो गया और फिर पुनर्जन्म विवर्जिता, फिर उनका फिर से जन्म नहीं हुआ। हम लोग कितने बार पैदा होते और कितने बार मरते हैं, जब बच्चे थे तब स्कूल में जाने के लिए मरते थे, स्कूल में गए कॉलेज जाने के लिए मरते थे, कॉलेज में गए अच्छा जॉब मिलने के लिए मरते थे, जॉब मिल गया शादी करने के लिए मरते थे, शादी हो गई बच्चे होने के लिए मरते थे, बच्चे हो गए बच्चे बड़ा होने के लिए मरते थे, बच्चे बड़े हो गए रिटायर होने के लिए मरते थे, रिटायर हो गए और फिर पता चला अरे मैं जिया ही नहीं, कभी मरता ही रहा, कभी तो जियो, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। अब ऐसा कहने के पश्चात भगवान राम प्रश्न पूछते हैं, श्री राम उवाच जीवन मुक्त शरीराणाम कथम आत्मविदाम वर शक्तयो नेह दृश्यन्ति आकाश गमनादिका। अब ये हम लोगों का प्रश्न है, हम लोगों को महात्मा कौन लगते हैं जिनमें सिद्धियां प्रकट हो गई, वो महात्मा लगते। एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे अपने सभी शिष्यों के साथ और इधर उधर की बातें हो रही थी, उतने में एक योगी जी गंगा जी पर चल के आए, पानी पर चल के आए और आने के बाद अब किसी ने ध्यान दिया ही नहीं उनके तरफ, अब साक्षात परमात्मा सामने बैठे कौन इधर उधर देखेगा, तो आप इनको लगा मेरे तरफ कोई देख ही नहीं रहा क्या करें, फिर तो खुर खुर करो तो लोगों ने देखा अच्छा, तो फिर फॉर्मेलिटी, आप कहां से आए कैसे आए, कुछ आवाज नहीं कुछ नहीं, गाड़ी नहीं पैदल कैसे आए आप, नहीं मैं गंगा जी से आया, वहां तो नाव है नहीं, नहीं मैं पानी पे चल के आया हूं, पानी पे चल के आए, तो जैसे पानी पे चल के आए अच्छा पानी पे चल सकते हैं आप, लेकिन भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते अच्छा ये पानी में चलने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कितनी साधना करनी पड़ी, बोले कम से कम 25 साल तो लगी गए। उन्होंने कहा 25 साल इसके लिए आपने गमाए, आठाने दे करके बोर्ड से आ जा, क्या मिला, देखो इससे अपने आप को बचाओ, सिद्धियां हमको बांध के रखती है दो प्रकार से, जो सिद्धियों के पीछे दौड़ते हैं महात्माओं के पास जाकर के महाराज जी मेरी शादी नहीं हो रही है, एक आदमी एक वो सामुद्रिक लक्षण देखते हैं ना पामिस्ट्री, उसके पास गया बताओ भैया मेरा क्या है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, अब मैं 40 साल का हो गया क्यों नहीं शादी हो रही है, उन्होंने देखा अरे क्या हो गया, इसमें अखंड आनंद योग लिखा है। अब देखो जिसमें अखंड आनंद योग लिखा है उसकी शादी कैसी होगी,
ये सिद्धियों के चक्कर में मत फंसना। जिनमें सिद्धियां होती है उन्होंने जगत को सत्य स्वीकार किया है, और जो सिद्धियों से लाभ लेना चाहते हैं वो अपने कामना के मारे हुए हैं। देखो आप कहीं भी चले जाओ ऐसे सिद्ध स्थानों में, वहां एक ही होता है, मन्नत मांगो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अरे भैया कामना को पूरा करना यही संसार है। देखो लेकिन हम चाहते हैं ऐसा करो वैसा करो, और उसी के कारण परेशान होते हैं। एक लड़का मुझे मिला और मुझे कह रहे स्वामी जी मैं क्या करूं। हमने कहा मौज में रहो। बोले मेरी शादी हो गई लेकिन मेरी बीवी चली गई अपने घर। हमने कहा समझदार है। फिर उसने शुरू कर दिया, मेरी बिल्कुल शादी की इच्छा नहीं थी, मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़े और फिर मुझे शादी करवा ही दीजिए जबरदस्ती से, और फिर मेरा तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं तो योगा करने वाला हूँ मेडिटेशन करने वाला हूँ। अब शादी के बाद यदि आप मेडिटेशन करोगे तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं। जिस समय जो करना है वही करना है। इसका परिणाम यह हो गया वो बेचारी लड़की एक महीना दो महीना बड़े मुश्किल से पर रही, फिर चली गई घर। और ये मुझे कहता मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं उस लड़की की जगह होता मैं भी भाग जाता, बेवकूफ के साथ कौन रहेगा। इसका कारण वो लड़का नहीं है, उसका कारण उसके मां बाप है। फोर्स करते हैं शादी करो शादी करो, ज्यादा शादी करो कोई फोर्स करता है ना तो मम्मी डैडी को बोला एक एक शादी और कर लो मुझे मत परेशान करना। देखो संतो इस चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। तो जीवन मुक्त शरीर आणाम कथम आत्मविदाम वर शक्त जो नेह दृश्यंते आकाश गमनादिका। जो जीवन मुक्त है, जैसे अभी ये वीतहव्य की हमको कथा बताई जीवन मुक्ति है, इसमें कहीं आया क्या कि उनमें शक्तियां प्रकट हो गई, वो आकाश में उड़ रहे थे पानी पे चल रहे थे, इसकी हाथ लगा दिया तो उसको बच्चा हो गया। देखो यह अध्यात्म नहीं है, यह आधी दैविक क्षेत्र है। आधिक दैविक क्षेत्र का विस्तार से वर्णन आता है पुराणों में। देखो और उसमें आदमी इतना बह जाता है। जैसे उदाहरण के लिए द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था, आपके हमारे जैसे हुआ था, वो अग्निकुंड से प्रकट हो गई। ये सभी के सभी छह पांडव ये कैसे पैदा हुए, IVF किया था। देखो ये 100 कौरव ये कैसे पैदा हुए थे, डाउनलोड किया था डिजिटली, खट 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 हो गए। इसीलिए यह जो आधी दैविक क्षेत्र है इसमें जब व्यक्ति फंस जाता है उसी में लग जाता है, वो बड़े महात्मा है दिव्य शक्ति है उनके पास, मैं उनके पास गया था ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब होता है, हम इसको डिनाय नहीं कर रहे, लेकिन यह अध्यात्म नहीं है। इसमें कौन फंसेगा, जो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना यही जीवन का लक्ष्य रखता है वही इसमें फंसेगा। देखो एक बड़े महात्मा हो गए थे 700 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, 1400 साल जिंदा रहे वो। उनको कायाकल्प की सिद्धि थी, कायाकल्प की सिद्धि के कारण हर 100 साल में वो अपने पूरे काया का कल्प कर देते थे, और फिर जैसे छोटे बच्चे को नए दांत आते हैं नए बाल आते हैं सब कुछ होता था। अब रह लो 1 साल 2 साल 100 साल 1000 साल कब तक रहोगे, पुराने फटे कपड़ों को सिला सिला करके फेंक दो ना, नहीं मुझे सिद्धि चाहिए रहे।
और जब उनको संत ज्ञानेश्वर के बारे में पता चला, अब उनको परेशानी हो गई, अब इनको मैं क्या लिखूं। देखो जो योग के मार्ग में लगते हैं ना, उनको चिंतन करने में डर लगता है। देखो उनको उसी में आनंद आता है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये टांग वहां लगेगी वो टांग वहां लगेगी, अरे टांगा हो क्या, इधर से उधर उधर से उधर करे जा, वही करेंगे। चिंतन की बात आ गई उनसे नहीं होती, फिर उनमें सभी शक्तियां प्रकट हो गई। लेकिन उनको स्पष्ट समझ में आ गया ये शक्तियां मेरे पास है, व्हाट नेक्स्ट। फिर उन्होंने सोचा, संत ज्ञानेश्वर को चिट्ठी लिखे, चिट्ठी क्या लिखे क्या लिखे, कंफ्यूजन में आ गए, बच्चा लिखे या बूढ़ा लिखे। वो उस समय थे कोई 16-17 साल के, अब क्या लिखे, ये 1400 साल के। और जब पूरा अपना ऐश्वर्य लेके आए, दुर्गा माता के जैसे शेर पे बैठे, हाथ में चाबुक ले लिया सांप का, बाकी भी जानवर चल रहे हैं और योगीराज योगाजीराज आ रहे हैं। और उस समय ये बच्चा पार्टी बैठी थी कि एक दीवाल पर, दीवाल को कहा भैया चलो उसको अगवा करेंगे ना। जब उन्होंने देखा आहा, सब उनका गर्वहरण हो गया। फिर कहते हैं गुरु महाराज मुझे आप स्वीकार करो शिष्य के रूप में। बोले मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मेरी जो बहन है वो तुमको हेल्प करेगी। उनकी बहन उस समय 14 साल की थी, ये 1400 साल की। और फिर उपदेश लेने लग गए। उन दिनों में ऐसे पक्के मकान तो थे नहीं, थैच हट्स। और जवान लड़की 14 साल की टीनेजर, जब वो अपने बाथरूम में नहा रही थी विवस्त्र होकर के, उतने में ये पहुंच गए गुरु अपने गुरु महाराज के पास। जैसे देखा कि वो नग्न स्नान कर रही है, आप शिव 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 आंखें बंद करके बाहर जाने लग गए, तो वो बड़ी खदखदा के हंसी। बोले गुरु महाराज क्यों हंस रहे हो। बोले इसलिए हंस रहे तुमको देख करके, तुम जब किसी गाय को भैंस को प्राणी को बिना कपड़े से देखते हो तो तुमको शर्म आती है क्या। मेरे विवस्त्र देह को देखो तुमको क्यों शर्म आ रही है, कारण अभी तुम देहात्म भाव में फंसे हो, ये कौन कह सकता है। देखो महाराज इस सब चक्कर से उठना है, नहीं तो पानी पे चल रहे, हवा में उड़ रहे। भगवान को भगवान अगले जन्म में मच्छर बना देना, तुरी उड़ते रहो या दुपट्टा बन जाओ, लाल दुपट्टा मल पर कर। संतो ये सिद्धियों के चक्कर से अपने आप को बचाना है, नहीं तो इसी चक्कर में चले जाते हैं। हम उस महात्मा के पास गए थे बड़े दिव्य है, दूसरे का मन पढ़ लेते हैं, अपने मन से निपट नहीं पाए, दूसरे के मन में पड़ी हुई है ये चीजें। तभी तक आपको आकर्षित करेगी जब तक आपने अपने को देह माना है, जब तक आपने इस जगत को सत्य माना है, तभी तक ये आपको आकर्षित करेगी। अन्यथा बस फंसते रहो इसी में। तो कहते हैं ये सभी की सभी शक्तियां जो है आत्मविधाम वर, हे भगवान जो आप तो सबके ज्ञानी हो, तो ये बताइए जीवन मुक्त शरीराणाम, जो जीवन मुक्त महात्मा है उनमें ये शक्तियां क्यों नहीं दिखती। तो वशिष्ठ भगवान कहते हैं अनात्मविद अमुक्तोपि नभो विहरणादिकम द्रव्य मंत्र क्रिया काल शक्तिया प्राप्नोति राघव। ये सभी की सभी शक्तियां जो है ये अनेक प्रकार के द्रव्य, किसी द्रव्य का आप सेवन करो या किसी मंत्र को जागृत करो या किसी क्रिया के में एक्सपर्टाइज ले लो या काल के शक्ति का आह्वान करो, तो आप में ये सब शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। लेकिन जैसे हम बाहर के पैसों में घर में बंधे रहते हैं, इसी प्रकार से
ये जो भिन्न भिन्न शक्तियां है इसमें हम फंस जाते हैं। एक उदाहरण ले लो समझने के लिए। एक हमारे मित्र सिंधी, सिंधियों में संगीत नहीं होता, एक्सेप्ट एक ही केवल उसका एक्सेप्शन है और वो है सी एच आत्मा। आपको मालूम है सी एच आत्मा? सो जा राज कुमारी, सो गए बंद करो। तो एक हमारे सिंधी मित्र बूढ़े थे और उनके यहाँ गए खाने के लिए। अम्मा ने कहा कि स्वामी जी अभी तो 10-15 मिनट टाइम लें, कोई बात नहीं खा के ही जाऊंगा। मैं अखबार पढ़ने के लिए बैठा, हमारे मित्र कहते स्वामी जी अखबार नहीं मैं हारमोनियम ले आता हूँ। हमने कहा देखो यार मैं ये पेटी पुटी का धंधा नहीं करता, मुझे नहीं अच्छा लगता, बहुत वगैरह टह टह कर रहा है, छोड़ो। नहीं 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 मैं ले आता हूँ, और हारमोनियम डाइनिंग टेबल पर ले आए। हमने देखा मुझे नहीं आता ये लेकर, बोले नहीं नहीं मैं अभी अभी सीख रहा हूँ। बाप रे, और मैंने पिछले 15 दिन से सीख रहा हूं सारे गम पद निशा, और मैं आपको सुनाता हूं छोटी सी बात। सारे गम सीखा क्या, उसका प्रदर्शन करने की इच्छा हो रही है ना, देखो। तो फिर उन्होंने वो ढक्कन खोला और फिर हवा दबाने लगे, अब आवाज आ ही नहीं रही। पत्नी को पूछा क्या किया तुमने, बोले मैं तुम्हारे डब्बे को हाथ नहीं लगाती, सुबह से कह कह करते रहते हो। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही। हमने कहा देखो प्रभु ये सामने की जो चाबियां होती है उसको खींचना पड़ता है। आप तो जानते हैं, और एक साइड होकर इतनी जोर से खींची हाथ में आ गई। और उसके बाद सारे गम शुरू हो गया। एक छोटी सी बात इसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप पानी में चल सको तो रास्ते पर चलोगे, पब्लिक रास्ते से जा रही मैं तो पानी से जाऊंगा। देखो ये सिद्धियों को शास्त्र में कहा है, यह जो सिद्धियां है ये प्रतिबंध है अध्यात्म के मार्ग पर, यही माया है। हमारे संत तुकाराम महाराज जी के जीवन की कथा बताते हैं, वो कहते बताते कथा में कि एक बार ये रिद्धि सिद्धि इनके पास पहुंच गई भगवान की आज्ञा से, और उन्होंने कहा कि महाराज हमको भगवान ने आज्ञा करिए, आपको जो चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं आपको तो मांगना ही पड़ेगा। बोले मुझे चाहिए नहीं कुछ तो क्यों मांगू मैं। तो फिर वो दोनों रोने लगे, बोले क्यों रो रही हो। बोले हम आपको दिए कुछ दिए बगैर गए तो हमारी पिटाई होगी। बोले अच्छा तुम्हारा नुकसान होगा फिर मैं मांग लेता हूँ। देखो भक्त का हृदय कैसे होता है, मैं मांग लेता हूँ, ऐसा करो अब जाओ तो फिर मत आना। देखो एक भी इच्छा मजाक के लिए भी हमारे मन में हो तो हम बहुत दूर है परमात्मा से, एक भी इच्छा। इसीलिए ये जो अनात्मविद अमुक्त अपि, जिन्होंने स्वरूप को नहीं पहचाना मुक्ति का तो नाम ही नहीं, ऐसे लोग ये भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया करके ये सभी सिद्धियों को जागृत कर लेते हैं। ये देखेंगे ना ब्लैक मैजिक जो होती है, तंत्र शास्त्र इसमें बड़ा होता है। एक हमारे मित्र बड़े इसमें लगे हुए इसी मार्ग में, और वो अपने बारे में बता रहे थे, एक बार मैं बैठा था उधर से दूसरे महात्मा आ गए, मैं उठा नहीं तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तू मेरे सामने उठा नहीं मेरे से छोटा है, और इसीलिए वो गुस्से में आकर के मेरी गोद में बैठ गए और उन्होंने पृथ्वी की धारणा करी। तो पृथ्वी की धारणा करने से इतने भारी हो गए कि उसके नीचे कोई भी आ जाए तो रगड़ के मर जाएगा। तो उसी समय मैंने आकाश की धारणा करी। तो जैसे आकाश पृथ्वी को सपोर्ट करता है बिना किसी प्रभाव से, मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा तुम मेरे से ग्रेट हो श्रेष्ठ हो, इसीलिए मैं तुमको नमस्कार करके जाता हूं। जब तक तू तू मैं है कहां तत्व है। देखो आकाश में ऊपर नीचे होता है क्या, कहीं
ऊपर नीचे के लिए संदर्भ चाहिए। ये जो फैन है सर के ऊपर है, लेकिन फैन कहां है? सीलिंग के नीचे है। आकाश में ऊपर नीचे नहीं होता, परमात्मा में बड़ा छोटा नहीं होता, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता, पाप पुण्य नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होती। इस तत्व को पहचानने के लिए ये सभी की सभी सिद्धियां हमको बांध के रखती है। न आत्मज्ञेष विषयः, आत्मा आत्मज्ञा ही आत्मदृक् स्वयं, यस्य इच्छा विद्यते काचित् स सिद्धि साधत्वय अलम। जो आत्मज्ञ है उसके लिए विषयों का कोई भी महत्व नहीं है। एक जगह में एक राजा ने एक एग्जीबिशन लगाया बच्चों के लिए, सभी प्रकार के वहां खिलौने रख दिए, और उस राजा को एक बच्चे को चुनना था, दूसरा राजा बनने के लिए ट्रेनिंग देना था। तो सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि तुम इसमें से निकल करके उधर से आ जाओ, जो चाहिए उठा के ले जाओ, जो चाहिए वहां से एक अपना नाम रख देना कि तुम्हारा है, फिर चले जाओ। बच्चों को चिट्ठियां दी और बच्चे घूमने लग गए। सभी बच्चों को जो जो लगा अपना नाम लेकर के, हाँ मुझे ये चाहिए, वहां रख दिया, ये मेरा है, दूसरा नहीं ले। और एक बच्चा ऐसा पूरा घूम के निकला, कहीं भी उसने लिखा नहीं। तो राजा देख रहा था इस बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा, कहीं क्या चाहिए उसे। तो उसको पूछा गया, भाई तुमको कुछ चाहिए नहीं? बोले मुझे चाहिए लेकिन वो वस्तु है नहीं यहाँ। बोले क्या चाहिए? मुझे राजा चाहिए, या राजा मिलेगा तो ये सब मेरा ही है। हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं में फंसे हैं। देखो इसीलिए सिद्धांत ये है, जब तक के इच्छा है किसी भी प्रकार की, हमने स्वयं को देह माना है, स्वयं को अपूर्ण माना है, जगत को अन्य माना है, जगत के विषयों के प्रति महात्म्य बुद्धि है, जगत के विषयों के प्रति सुख बुद्धि है, ये सब की सब बातें अभी हमारे अंतकरण में ठसा ठस भरी हुई है। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना? हमारे सिद्धांत बड़े सिंपल है, आइदर कन्विंस और कन्फ्यूज। जो कन्विंस हो जाते हैं, यद गतवान अनिवर्तन्ते तद्धाम परम मम, और जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो गुरु शॉपिंग के लिए निकलते हैं, यहां से वहां, वहां जाके देखेंगे, वहां जाके देखेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं महाराज। यस्य इच्छा न यस्य इच्छा विद्यते काचित स सिद्धि साधयतु अलम। जिसमें कोई भी इच्छा हो वही सिद्धियों के पीछे लगा रहता है। देखो एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, वृंदावन की बात है, उड़िया बाबा जी का नाम। जब वो छोटे थे तब उड़ीसा में बड़ा अकाल, लोग मरते थे भूख के मारे। तो उन्होंने विचार किया, मुझे अन्नपूर्णा की सिद्धि चाहिए। बड़ी तपस्या करी, जप किया, सब कुछ किया और उनको अन्नपूर्णा की सिद्धि हो गई। वो कितने भी लोगों को खिला सकते थे, दो लोगों का खाना होगा उसमें 200,000 लोग खाना खा सकते थे। ये सिद्धियां होती है, शिरडी है बाबा की कथा में आता है सब कुछ। अब उनको वो सिद्धि मिलने के बाद अन्नपूर्णा माता ने एक वायरस छोड़ दिया। वो वायरस ये था कि जो अन्नपूर्णा माता मुझे सिद्धि दिला करके सबको खाना खिलाने की क्षमता दे सकती है, क्या वो अन्नपूर्णा माता स्वयं ये काम नहीं कर सकती? देखो जैसे उनके मन में ये विचार आया, उन्होंने उस सिद्धि का उपयोग कभी नहीं किया। कभी नहीं। यही सिद्धियों का चक्कर है। जब तक ये सिद्धियों में महात्म्य है,
जब तक कि इच्छाओं को पूरा करना ये जीवन का लक्ष्य है, अभी हम संसार में भटक रहे। सो यस्य इच्छा विद्यते काचित, कोई भी आपकी इच्छा रहे तो अलम सिद्धि साधय, तो ठीक है आप सिद्धि के चक्कर में लगो, लोगों का भला करना है। जिसने दुनिया बनाई है क्या उसको समझ में नहीं आता है दुनिया का क्या करना है? देखो आत्मज्ञस्य तु पूर्णस्य नेच्छा संभवति क्वचित परमात्म पद प्राप्त नोपकुर्वन्ति सिद्धया। जो आत्मज्ञ है उसके अंतकरण में एक भी इच्छा का होना संभव नहीं है। तो पूरी की पूरी आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? केवल इतना मात्र, जो थारी राय सो मारी राय, कोई चक्कर ही नहीं। ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, यूं करना चाहिए, अरे राम राम राम, जैसा है ठीक है ना। जिसके कारण मन में विक्षेप आते हैं भागो, हमको नहीं चक्कर में पड़ना है इसके, अपने मन का ध्यान रखना है। तो शादी के बाद यदि बीवी के कारण विक्षेप आते हैं तो क्या करें? जो धारी राय सो मारी राय। देखो हर एक रोग के लिए भिन्न भिन्न औषधि होती है। पत्नी के रोग के लिए औषधि है कि व्हेन शी इज टॉकिंग यू शुड कीप क्वाइट, व्हेन शी इज क्वाइट यू शुड नॉट टॉक। ओम शांति शांति शांति, घर में शांति हो गई। तू मन में कर रहे थे कुछ नहीं होता। सो आत्मज्ञस्य तु पूर्णस्य नेच्छा संभवति क्वचित परमात्म पद प्राप्त नोपकुर्वन्ति सिद्धयः। सिद्धयः न उपकुर्वन्ति, ये सिद्धि जो होती है ये हमको उपकारक नहीं है परमात्मा के प्राप्ति में, ये अपकारक है, ये हमको बांध के रखती है दुनिया में। देखो व्यक्ति को किसी का भला करने का एक बार नशा चढ़ जाता है ना, बस वही सबसे बड़ी बात, इसमें फंस जाता है। अपनी तारीफ सुनना अपने बारे में अच्छा, ये बहुत भयंकर बंधन है। उसी प्रकार से परफेक्शन, वो भी बंधन है। मैं कभी अपने संकल्प को नहीं तोड़ता, वो भी बंधन है। ये बात हमने हमारे स्वामी अखंडानंद से सुनी, उन्होंने एक बार कहा आप कहीं जा रहे थे, हमने महाराज जी हमको कल जाना है हमारा सत्संग है, बोले मत जाओ। हम चुप हो गए, फिर कहते एक हाथ बार अपना संकल्प तोड़ना चाहिए, नहीं तो मैं अपने संकल्प का पक्का हूं, आई एम डिसिप्लिन, आई एम पंक्चुअल, इसी में फंस जाओगे जिंदगी में। देखो अब इसका परिणाम क्या हुआ, बम्बई में उन दिनों में फ्लाईओवर नहीं बने थे, तो हमको कहीं जाना था लेक्चर के लिए, बीच में वो रेलवे का फाटक आ गया, तो हम रुक गए इस साइड में। तो हमको जो ड्राइव कर रहे थे सज्जन, 15 मिनट रुकना पड़ा। तो जैसे पहुंचे बोले स्वामी जी मैं जाके अनाउंस करता हूँ कि मैंने किसी ने पूछा है क्या आपको? नहीं। क्यों बोल रहे हो? डोंट जस्टिफाई, नहीं हम तो लेट हो गए ना। हाँ लेट हो गए, किसी ने पूछा है आप? नहीं। दूसरी बात, प्रवचन आपको देना है कि मुझे देना है? तो महाराज जी आपको देना है। वाई आर यू वरीड, रिलैक्स। दो चीजों से अपने आप को बचाओ, नेवर ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, नेवर ट्राई टू प्रूव। क्या नाम है उनका? आप भी बैठ लो सुन लो सत्संग। हाँ क्या है? ये दो गाड़ियां है, 9504 और 3564। जिनके गाड़ियां है उनको टो करके लिया जाएगा और उसका पैसा वसूल किया जाएगा।
है किसकी गाड़ी है ये? दो 9504 दोनों दिल्ली की है और 3564। अब इनको अपने फोन नंबर मालूम नहीं, गाड़ी का नंबर मालूम? या नहीं किसी के यहां? उन दो गाड़ी के ये कर दो, हवा निकाल दो। परमात्म पद प्राप्तो न उपक्रुवंती सिद्धया। तो ये जो सिद्धि होती है ये हमको हमेशा प्रतिबंध उपकारक नहीं है। ये होने के बाद फिर भगवान राम पूछते हैं, वीत हव्यर मुनिर मग्ना कथम क्लीन्ना न भूतले। ये दूसरा सिद्धांत है कि जब ये वीत हव्य इतने सालों तक पृथ्वी में दबा रहा तो ये सड़ा मरा कैसे नहीं? इसको समझने के पहले जगत की एक बात समझ ले। आप जानते हैं जब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग जाती है तो चारों तरफ से ये मेंढक आ जाते हैं, ये सांप या तो जो पोल के बेयर्स होते हैं। एक बार खा लिया खाना, इतना खाते हैं इतना खाते हैं, और फिर वो निकल चले जाते हैं बर्फ के नीचे। 6 महीने तक बर्फ के नीचे ना हवा है ना पानी है ना खाना है ना कुछ है। 6 महीने वहां रहते और फिर 6 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं, ये कैसे संभव है? वही सिद्धांत यहां योग शास्त्र में है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइबरनेशन। ये जो सांप है, एम्फीबियंस है, मेंढक है, कछुए है, इनको ये एम्फीबियन की सिद्धि है। इसीलिए कहते हैं कि जब यह जो वीत हव्य मुनि इतने दिनों तक दबे रहे पानी पृथ्वी में तो गिले सड़े क्यों नहीं? वो कहते हैं, ध्यान से सुनना, सभाभ्यंतर स्पंद चित्त जो वाद जो अथवा न तस्य विद्यते तस्य तूरस्थो विकृति क्षयो। जिस व्यक्ति के बाह्य और अंतर दोनों स्पंद शांत हो गए, बाह्य स्पंद होता है प्राणों से, अंतर स्पंद होता है वृत्तियों से, माने जो केवल कुंभक में स्थित हो गया और जिसके अंतकरण में एक भी वृत्ति का स्पंद नहीं होता, दो चीजें हाइबरनेशन में यही दो चीजें हैं, शांत बैठे रहते। देखो तो कहते हैं सभा या धर्म स्पंद अंतर स्पंद चित्त जो वात जो अथवा न यस्य विद्यते, जिसमें ये दो बातें खत्म हो गई तस्य दूरस्थो विकृति क्षयो, उसके लिए उस देह में कोई भी विकार आना या देह का मरना संभव नहीं है। और फिर व्यक्ति उसी में लग जाता है। हमने अभी 1 साल पहले एक जीवनी पढ़ी, वो जीवनी थी एक महात्मा जी की, वो उनका नाम पता नहीं कुछ नहीं था, उनको तपस्वी जी कहते थे, बड़े तपस्या कर। उनको यह कायाकल्प की सिद्धि प्राप्त हो गई थी, परशुराम कुंड में एक महात्मा ने उनको दी थी। उसी सिद्धि को लेकर के महामना जो मदन मोहन मालवीय जी है उनको उन्होंने कायाकल्प की सिद्धि दे करके जवान बनाया था। फिर महात्मा गांधी को बुलाया, महात्मा गांधी बोले नहीं मुझे ये काफी है, मैं पटियर ही अच्छा लगता। तो उनके स्थान पर हम गए मिलने के लिए, तो बेंगलोर के पास है, हम गए वहां। तो वहां जहां उनकी समाधि है, मैंने पूछा उनके जो शिष्य थे बेंगलोर हाईकोर्ट के जज थे और उनका जो लड़का था वो मुझे मिला। हमने कहा महाराज जी समाधि के, तो समाधि नहीं लिए, एक बार ये कायाकल्प का प्रयोग कर रहे थे, पहले 2-3 बार सफल हो गया, चौथी बार फेल हो गया, मर गए। शरीर का यही होना है। देखो इसीलिए
कहते हैं कि जिसने बाहर अंदर के स्पंद शांत कर दिए हैं, उसके शरीर को जब तक कि ये चलता रहेगा तब तक के ना विकृति आएगी ना इसका क्षय होगा। और सबाह्याभ्यंतरे शांति स्पंदे पवन चेतसो हो, बाहर में जो है पवन माने प्राण का और अंदर माने मन का, धातवा संस्थिति देहे न त्यजंती कदाचन। तो ये जो धातु है, जो चमड़ी है, उसके बाद मसल्स है, हड्डियां है, ये वैसे की वैसी रही, ये उसका त्याग नहीं करते, और ये पंच महाभूत भी उसका त्याग नहीं करते। इसमें कहते हैं कि जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उस समय सभी प्राण त्याग देते हैं, लेकिन धनंजय प्राण उस देह का त्याग नहीं करता। और जब धनंजय प्राण त्याग कर देगा तब जाकर के वो शरीर एकदम डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, एकदम नहीं होता। तो जब तक के यह धनंजय प्राण शरीर में है तब तक के शरीर का आकार बना रहता है, और उस समय यदि कोई सिद्ध महात्मा आ गए तो फिर वो व्यक्ति जिंदा हो सकता है। और जिंदा करना कैसे है, जैसे आप लोगों ने किया होगा, कई बार जब बल्ब फ्यूज हो जाता था तो हम लोग उसको उल्टा सीधा हिला करके देखते थे, और जैसे ही उसका वो जो फिलामेंट चिपक गया फिर बल्ब आ गया। इसी प्रकार से ये महात्माओं को सिद्धि होती है, वो बल्ब को हिलाते हैं हिलाया और चिपक गया फिर जिंदा हो गया। अरे बड़े महात्मा है, ये सब प्रकृति का खेल है संतो। इसीलिए उपनिषद स्पष्ट कहती है नायमात्मा बलहीने न लभ्यः। यदि आप डर डर के रहोगे तो ये तत्व का दर्शन होना असंभव है। तो धातवा संस्थिति देहे न त्यजन्ति कदाचन, ये तो विज्ञात विज्ञेयः वीतरागा महादियः विच्छिन्न ग्रंथया सर्वे ते स्वतंत्रा तनव स्थिता। लेकिन जो अपने स्वरूप को पहचान चुके हैं, वीतरागाः जिनमें कोई भी राग द्वेष काम कोई भी मन के विकार नहीं है, ऐसे जो महाधीय है बड़े ज्ञानी है, विच्छिन्न हृदय ग्रंथ है। यहाँ हृदय ग्रंथि का तात्पर्य केवल तीन बातें हैं, अविद्या काम कर्म, अपने आप को अपूर्ण समझना, जगत को अन्य समझने के कारण जगत के प्रति कामना होना और कामना के प्रभाव में आकर के कर्म करना, यह अविद्या काम कर्म। इस तीनों को कहते हैं हृदय की गांठ। ये समझ में नहीं आने के कारण फिर हम कहते हैं हमारे चक्र खुल गए। खुल गए माने क्या, बटन है क्या वो खुलने के लिए? देखो चक्र भेद का अर्थ यही है, भेद माने रहस्य। आपके सौंदर्य का क्या रहस्य है? मैं पतंजलि सूप खाता हूं, रहस्य। इसी प्रकार से यह जो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इसका क्या रहस्य है? मूलाधार चक्र का रहस्य है देहात्म भाव, उसको छोड़ो तो स्वाधिष्ठान चक्र का रहस्य है कामना, कामना का अभाव। देहात्म भाव नहीं होगा तो कामना नहीं होगी। आपने स्वाधिष्ठान चक्र जीत लिया और कामना जीत ली तो आपके मन में लोभ नहीं होगा। आपने ये मणिपुर चक्र जीत लिया है, जब तक के ये काम अविद्या काम कर्म है तभी तक फंसे रहोगे, इससे परे जाना है। देखो मैं देह हूं ये बंधन नहीं है, यही देह मात्र मैं हूं, दूसरा देह मैं नहीं हूं, यही सब चक्कर है। इसीलिए कहते ये तो विज्ञात विज्ञेयः वीतरागा महादियः विच्छिन्न ग्रंथया सर्वे ते स्वतंत्रा तनव स्थिता। वो तो अपने देह में स्वतंत्रता से रहते हैं, किसी कारण से नहीं रहते। आगे कहते हैं श्री राम उवाच विवेकाभ्युदया चित्त स्वरूपे अंतरहिते मुने मैत्रादय गुणा कुत्र जायन्ते माम प्रभो वद। हे भगवान, यदि मन में इस ज्ञानी लोगों के जो है उनके हृदय में यदि विवेक अच्छी तरह से जागृत हो गया है तो उनके मन में सिर्फ सभी गुण समाप्त होने चाहिए, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं,
तो ऐसे जो है जिनका मन सभी विकारों से मुक्त हो गया है, उनमें प्रेम, दया, गुण, किसी को मदद करना, ये गुण कहां से आते हैं? ये भगवान राम का प्रश्न है और इसके उत्तर में वशिष्ठ जी जो कहेंगे उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।